इतिहास के अंदर जो अंग्रेजों ने जो एक ही पत्थर में जो शिवलिंग शिव का मंदिर जो निकाला है उसको जो 16 नंबर में एलोरा क्यूज में और बाकी 31, 32, 33, 34 ये जैन केव्स है और जो बाकी का है ये बुद्धिस्ट है यानी एलोरा ये जैन हिंदू बुद्धिस्ट तीनों का संगम है और अजंता ये टोटल बुद्धिस्ट है। बुद्धिस्ट रहने से जो बुद्धिज्म के जो थाई लोग है जापनीज लोग है ये सब वहाँ आते रहते अजंता में और ये एलोरा में ये जैन हिंदू बुद्धिस्ट होने से तीनों लोगों के लोग यहाँ आते रहते सर। तो अपन सबसे पहले जाएंगे सर जो 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर बोल के। अच्छा अपन उसको वहाँ पहले जाएंगे सर। जो आपके उधर है ना रामेश्वर मलिक ये श्री शैलम वैसा ये इधर 12वां ज्योतिर्लिंग है और इस ज्योतिर्लिंग का नाम है घृष्णेश्वर। अच्छा ओके। रास्ते में अपने को वो एलोरा पे नजदीक है ना? सब नजदीक नजदीक है सर। आज का जो टूर है ना ऑन द वे रास्ते में जो देवगिरी फोर्ट बोलते है ना दौलताबाद किला वो ऑन द वे गिरता है। अच्छा अगर आप देख सके तो देख सकते ठीक है। उसको जाने को 3-4 घंटा लगेगा अप डाउन के लिए। अच्छा और उसके बाद में जो आपने हनुमान जी का दर्शन लिया आज तक कहाँ पे? हनुमान जी बजरंग बली खड़ा देखे नहीं बैठे हुआ देखे? वो उधर एलोरा में के अंदर है। सुनिए खड़ा हुआ देखे बैठे हुआ देखे घुटने पे देखे लेटे हुए देखे कभी स्लीपिंग हनुमान जी? नहीं नहीं जो हम आपको बताएंगे। चलो ठीक है। आज शनिचार है आज का डे बहुत मस्त। आजू बाजू में 2-3 है सीता की नानी जो वाटरफॉल है अभी वाटर तो नहीं है इसलिए फॉल बंद है। अच्छा फॉल बंद है वाटरफॉल अभी चालू नहीं है। अभी आज का टेम्परेचर है 29। कितना बड़ा है ना बहुत पुराना है ना ये सब बहुत पुराना है 100 ईयर के ऊपर के पेड़ पूरे। अब ये एक्चुअली क्या है पेड़ मतलब ये बर्ड के पेड़ है सर बर्ड के झाड़ रहते हैं ना बर्ड के उसका पेड़ ही है। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ड 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 जैसे मैम पूर्णम जो इसकी पूर्णिमा रही थी ना वो क्या बोलते हो सी यू रिमेम्बर व्हेन आई वेंट टू दिस प्लेस बोरोबुदुर राइट इन द एंट्रेंस ऑफ बोरोबुदुर देयर इज अ मैसिव ट्री समथिंग ये जो राउंड सर्कल दिख रहा है उस राउंड सर्कल के नीचे बड़ा पानी का खंडक है और पानी के अंदर मगरमच्छ है यानी ऊपर से भी मौत नीचे ढकेल दिया तो भी मौत यानी मौत का नाम क्या है इधर का? देवगिरी फोर्ट। देवगिरी फोर्ट देवगिरी फोर्ट देव की नगरी देवगिरी फोर्ट सर आप जा सकते ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट करके आइए ना एयरपोर्ट में। हाँ एक घंटा आइए सर अभी 9 बज रहे 10 बज तक आ जाइए। ये इसको बोलते 52 गेट। कुछ गेट को दरवाजे है कुछ गेट को दरवाजे नहीं है। इधर का बस का लोकल बस का हालत थोड़ा खराब है सर। एक्चुअली जो गवर्नमेंट की हालत खराब है तो बस की क्यों दे रही है? गवर्नमेंट ऐसी है कि 3 पहिया की रिक्शा है ना वैसी गवर्नमेंट है। तो गाइस दिस इज कैलासा टेंपल मेन एंट्रेंस। Look there. Can see so many monkeys? I'll show you.
पूरा ऐसा माउंटेन में अगर आप देखेंगे तो 100 के आसपास से क्यों होता है, पर उसे कोई काउंटिंग नंबर नहीं है। तो जैसा उनके के नाम दिया गया है, जैसे जोगेश्री भी गणेश को दो काम भी पार्श्वनाथ है, ऐसे कुछ नाम दिए गए। अब 34 क्यों में भी यहाँ पे आपको तीन रिलीजन है, बुद्धिज्म, हिंदुज्म और जैनिज्म। पर जैनिज्म अगर आपको दिखा रहा है इतना एक पॉइंट आपको कल से देखना पड़ता है, इतना पॉइंट आपको गाड़ी में पता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करेंगे बुद्धिज्म से और हिंदुज्म पे ऐड करेंगे सर। तो अब 34 क्यों में भी इसमें कुछ इनकम्प्लीट किए हुए, कुछ रब किए हुए, कुछ एम्प्टी हॉल बनाए गए। एम्प्टी हॉल का ये भी रीज़न हो सकता है, एक तो मीटिंग करने के लिए स्टोर रूम जैसे लाइब्रेरी हॉल जैसे से यूज़ किया हुआ करते थे। इनकम्प्लीट के इसके अलग अलग रीज़न है सर, जहाँ पे आर्किटेक्ट्स को अगर अच्छा स्टोन मिला तो उन्होंने अच्छे से अच्छा मीटिंग किया, वरना उसे छोड़ दिया। मेकिंग करते समय कभी कभी बैड स्टोन भी लग जाते हैं, उससे वो रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए सिंगल रॉक का काम चलता है। फिर कुछ लोकल लोग यहाँ पे रहते थे, उन्हें ऐसा लगता था इसमें कुछ गोल्ड वगैरह तो रखा नहीं, कुछ के उन्होंने भी डिस्ट्रॉय किया, कुछ नेचुरली भी डिस्ट्रॉय हुआ। इनकम्प्लीट के इस तरह से अब रब के लिए प्रैक्टिस के किस लिए यहाँ पे मेकिंग हुआ है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ में जब आपको परफेक्ट होना है उसके लिए प्रैक्टिस काफ़ी जरूरी है। हिंदुज़म में ऐसा माना जाता है कि एक ही कैलाश टेम्पल का मेकिंग हो रहा था, बोलते एक ही टेम्पल का मेकिंग हो रहा था। अब उसे परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे छोटे छोटे क्योंकि उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस किया रफ कार में, और बाद में फिर मेन कैलाश टेम्पल पे मेकिंग हुआ है करके। ये मैन मेड में का दुनिया का सबसे बिगेस्ट केव कैलाश टेम्पल जो सिंगल रॉक में आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे 34 का कॉन्सेप्ट है। फिर लोकल लैंग्वेज में एलापुरम, एलापुरम, और लोकल लैंग्वेज में अगर कहना है वेरू, ये नेम से भी जानी वेरू। बिल्कुल सर, तो वेरू नाम ही इसलिए गिरा है सर, जो स्नेक्स है, जो स्नेक्स मट्टी के घोंसले में रहते हैं मराठी में से वारुण बोले जाते हैं, और वारुण पे से ये वेरू नाम गिरा है। एलापुरम इसलिए नाम गिरा है, बिफोर क्राइस्ट में एक एल राजा हो चुके हैं, उनके नाम में से ही एलापुरम वर्ड्स आया था, पर ब्रिटिशों को काफ़ी हार्ड लगता था बात करने के लिए, तो नाम में एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया एल। और 5 नंबर का जो केव है ये और 11-12 नंबर के रहने के लिए, और 10 नंबर का जो केव है ये प्रे करने के लिए चैत्रिका को। सेंटर वाला रॉक
करके वो नीचे गया टॉप टू बॉटम और बैक टू फ्रंट लाने गए, तो इसके ऊपर पूरा 200 किया और 10 जनरेशन। इसे दो बार कलर भी किया, प्रथम कृष्णा सेकंड अहिल्या बाई, तो कहीं कहीं जगह पर ये पेंट आपको नजर आ। ये टेम्पल खास तौर से महाराष्ट्र में बना है, तो महाराष्ट्र के जितने टेम्पल देखेंगे ऊपर भी नक्शे राउंड शेप में बना, पर जैसे आप दक्षिण भारत में जब जाते हैं उसे गोपुरम बोले जो फ्रंट पर से देखो राइट में बड़े बड़े कॉलम नजर आते हैं, ये ध्वज स्तंभ। अभी इंडिया का न्यू पर इसकी 20 की उस पर फोटो देखें, थोड़ा आगे जो वॉल पे जो छोटा छोटा जो कार्विंग नजर आ रहा है ना पैनल में, ये रामायण स्टोरी है, अपोजिट महाभारत स्टोरी। गुफा के बैक जाने के बाद में विष्णुपुरा शिवपुरा, दूसरे मंजिल में शिवलिंग, सेकंड अंतिम कक्ष, थर्ड म्यूजिक है, पर इसके क्यों को एक चैरेट जैसा मेकिंग किया है, तो चैरेट का जितना वेट रहता है बैक साइड में रहता है, तो बैक साइड का ग्राउंड लेवल का सपोर्टिंग देखेंगे तो ऐसा लगता है पूरा एलिफेंट और लॉयन के शोल्डर पे टेंपल को खड़ा किया है। हैंडमेड में दुनिया का सबसे बिगेस्ट केव इसी, इसका टॉप टू बॉटम जो है 40 मीटर चौड़ाई, 60 मीटर लेंच बढ़ता है, 90 मीटर करके कुछ यूरोपियन थ्योरी के अनुसार ये मानते हैं कि ये एलियंस ने बनाया है। अरे पहला केव जो सेटेलाइट से देखने को मिलता है, और सेटेलाइट से देखने के बाद टॉप के जो लॉयन नजर आ रहे हैं आपको ये 4 लॉयन है जो एक साकार में सेटेलाइट से।
You can go inside this. Okay, well, Pagdi were an armor, and now we're going to go. Thank you.
है।